Good morning students, welcome again in my YouTube channel. Today we are going to start a new chapter of your class, that is light. It is also known as reflection and refraction. The name of the chapter is light, reflection and refraction. आज चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसका मैं एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ, इसमें हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमें स्टडी करना है, सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज व्हाट इज लाइट। लाइट होती क्या है, लाइट जनरेट कैसे होती है, तो वो सोर्स से होती है। तो सोर्स क्या चीज है, सोर्स के टाइप्स क्या है, ये हमें स्टडी करना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा लाइट हम तक पहुंचती कैसे है, तो बाय विद द हेल्प ऑफ मीडियम। मीडियम से लाइट हम तक पहुंचती है, तो मीडियम क्या होते हैं, मीडियम के टाइप्स क्या क्या होते हैं, ये हमें इसमें स्टडी करना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है इसमें, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहीं से आपका सिलेबस स्टार्ट होगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या चीज होती है, रिफ्लेक्शन क्या चीज है, इस फिनोमिना को हम यहाँ समझने वाले हैं। रिफ्लेक्शन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, इसके बारे में हम समझने वाले हैं। तो ये हमारा चैप्टर है। इसके बाद हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्लेक्शन के लॉज कितने हैं। उसके बाद एक प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे विच इज नोन एज नॉर्मल इंसिडेंस। इसके बाद आपका आएगा कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड ऑन द प्लेन मिरर। मिरर के ऊपर जब इमेज फॉर्म होती है तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, तो दो टाइप्स के होते हैं, एक आपका कॉनकेव और एक आपका कॉन्वेक्स। वो क्या होते हैं, उसके बाद जब उससे इमेज फॉर्म करते हैं तो कैसी प्रॉपर्टीज होती हैं, इमेज कैसे फॉर्म होती है, इमेज कब रियल फॉर्म होती है, कब वर्चुअल फॉर्म होती है, रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, ये भी हमें इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाएगा मिरर फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस फॉर्मूले से ज्यादातर आते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले की, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म मैग्निफिकेशन। इसके बाद हम बात करेंगे लेंसेज के बारे में, अगेन कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंसेज में आ जाएगा। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उससे इमेज फॉर्म होती है तो क्या प्रॉपर्टीज होती है, वो बात करेंगे। लेंस फॉर्मूला, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इससे न्यूमेरिकल आते हैं। तो इमेज ट्रेसिंग, इसमें आपको ज्यादातर एक्सपीरियंस करने को मिलेगी, इमेज ट्रेसिंग करने को मिलेगी, जहाँ पे आप इमेज ट्रेसिंग करके ऑब्जेक्ट और इमेज का पता लगाएंगे, उसके डिस्टेंस का पता लगाएंगे, उसके नेचर का पता लगाएंगे। इसके बाद आप बात करने वाले हैं इसमें हम लेंस फॉर्मूला की, जो इम्पोर्टेंट है, जिससे कि आप ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस, ये सब कैलकुलेट करना सीखेंगे। लास्ट टॉपिक आएगा इसमें पावर के बारे में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर। तो पावर के बारे में बात करेंगे, पावर ऑफ लेंस के बारे में बात करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के बारे में बात करेंगे, उनकी पावर के बारे में बात करेंगे, फोकल लेंथ के बारे में बात करेंगे। तो ये मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया आपका जो चैप्टर है उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं। मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपकी फिजिक्स का ये, इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन कम है, अंडरस्टैंडिंग पोर्शन बहुत ज्यादा है, आपको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लाइट चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, दैट द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म लाइट। लाइट इस वर्ड का क्या मतलब है, यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। तो लाइट का मतलब बच्चों होता है कि लाइट एक एनर्जी है, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। विद मी स्टार्ट राइटिंग, अपने औजार निकाल लीजिए, कॉपी और बुक निकाल लीजिए और लिखना स्टार्ट करिए। तो लाइट क्या है, तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ साइट। तो लाइट क्या है, लाइट एक एनर्जी है जिसकी वजह से हमारी आईज में सेंसेशन होता है और हम चीजों को इजिली विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट में से लाइट इमिट नहीं हो रही है या फिर वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है तो वो चीज हमें विजिबल नहीं होगी। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप मॉर्निंग के टाइम में सुबह उठते हो तो आपको क्या दिखता है, सन से लाइट आ रही है। तो सन क्या है, एक सोर्स है, एक ऑब्जेक्ट है जो अपने में से लाइट इमिट कर रहा है, ओके। और आपके घर के आसपास जो बिल्डिंग्स हैं वो आपको दिखाई देती है सुबह के टाइम में, क्यों, क्योंकि सन से निकलने वाली लाइट वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, जिससे आपको इजीली विजुलाइज होकर दिखाई देती है। बट रात के समय में क्या होता है, सन होता है, सन होता तो है पर हमें दिखता नहीं, क्यों, क्योंकि हम लोग अर्थ के साथ रोटेट कर रहे हैं, तो ये तो हमें सन दिखता नहीं है। तो सन नहीं दिखता जिसकी वजह से हमारे घर के आसपास
जो बिल्डिंग्स हैं, जो ट्रीज हैं, वो उसकी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते और वो हमें दिखाई नहीं देते। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने में से लाइट इमिट करते हैं या दूसरे ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, उससे क्या होता है, हमें चीजें दिखाई देती हैं। तो लाइट बेसिकली क्या है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ साइट। नेक्स्ट चीज बात करेंगे, लाइट किस चीज से प्रोड्यूस होती है। तो लाइट बेसिकली सोर्स से प्रोड्यूस होती है। तो सोर्स क्या चीज है, तो सोर्स ऐसी चीज है जो अपने में से लाइट इमिट करती है या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। तो नोट डाउन द डेफिनेशन, सोर्स इट कैन बी डिफाइंड एज दोज ऑब्जेक्ट विच emit light of their own or reflects light of other objects is known as source। अब source बच्चों टू टाइप्स के होते हैं, आपने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, दैट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। हेडिंग डाल लेंगे सब हेडिंग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिसके पास अपनी खुद की लाइट होती है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आगे लिखेंगे दोज ऑब्जेक्ट विच हैज इट्स ओन लाइट, जिसके पास अपनी खुद की लाइट होती है। ओके, इसका एग्जाम्पल हो गया बच्चों सन हो गया, बल्ब हो गया और टॉर्च हो गया, तीन एग्जाम्पल काफी है। नेक्स्ट टॉपिक आप हेडिंग डाल देंगे नॉन ल्यूमिनस, सब हेडिंग है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट विच, ऐसे ऑब्जेक्ट दोज ऑब्जेक्ट विच डज नॉट हैज इट्स ओन लाइट, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है इज नोन एज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल सबसे पहला एग्जाम्पल मून। मून के पास अपनी खुद की लाइट नहीं होता, वो सन की लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। इसके बाद हो गया टेबल, इसके बाद हो गया ट्रीज एक्सेट्रा। अच्छा, ह्यूमन बींग ल्यूमिनस है या नॉन ल्यूमिनस है, ह्यूमन बींग्स नॉन ल्यूमिनस है क्योंकि वो अपने पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती, दूसरे की लाइट पर रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। कभी देखा किसी इंसान की वजह से लाइट निकलते हुए, जब हमें अपने अंदर से लाइट निकाल रहा है। ओके, अब बात करते हैं, लाइट हमने सोर्स से प्रोड्यूस भी कर ली, रिफ्लेक्ट भी करा ली। अब यहाँ बात करते हैं कि ये लाइट हम तक पहुँचती कैसे है। तो लाइट पहुँचती है हमसे मीडियम से ट्रेवल होकर। मीडियम क्या चीज है, नोट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग मीडियम। मीडियम क्या लिखेंगे, नोट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग मीडियम। मैं बहुत जल्दी तो नहीं बता रहा हूँ, अगर जल्दी बता रहा होगा तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग मैं धीरे धीरे चलूंगा, ठीक है। तो नोट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग मीडियम। जो बच्चे नए हैं वो पहले अपना पेंडिंग वर्क कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, नोट डाउन द डेफिनेशन ऑफ मीडियम। मीडियम इज द पाथ through which light propagates। मीडियम वो पाथ होता है जिससे लाइट प्रोपोगेट होती है, ट्रेवल करती है। प्रोपोगेट का मतलब ट्रेवल करने से है यहाँ पर। अब बात करते हैं मीडियम थ्री टाइप्स के होते हैं, तो मेक अ सब हेडिंग। सो द फर्स्ट मीडियम इज, मेक अ वेरी फर्स्ट हेडिंग विद अ सब हेडिंग यू कैन से। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज मीडियम, द मेक अ सब हेडिंग इन मीडियम दैट इज ट्रांसपेरेंट मीडियम। द सब हेडिंग ऑफ द मीडियम टॉपिक इज ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम बच्चों वो मीडियम होता है जिसमें से लाइट इजीली पास हो जाती है, दैट मीडियम इज नोन एज ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो नोट डाउन द स्टेटमेंट आफ्टर ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम
are those medium through which light propagates easily. Example हो जाएगा आपका ग्लास, वॉटर एटसेट्रा. नेक्स्ट सब हेडिंग इज ट्रांसल्यूसेंट. ट्रांसल्यूसेंट ऐसे मीडियम होता है जिसमें से लाइट इजिली पास नहीं होती, कंप्लीटली पास नहीं होती, थोड़ी बहुत लाइट पास होती है. तो आफ्टर ट्रांसल्यूसेंट मेंशन दैट स्टेटमेंट, दोज मीडियम थ्रू विच लाइट पासेस पार्शियली, पार्शियली लाइट पास होती है. देयर इज अ स्पेलिंग पार्शियली, पार्शियली पास होती है, दैट इज नोन एज ट्रांसल्यूसेंट. एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है, वो कैन सी दैट द फाइबर, फाइबर शीट होती है जिसमें से लाइट हल्की हल्की पास होती है, पार्शियली पास होती है, फुल्ली पास नहीं होती. और आफ्टर दैट यू कैन से दैट, और कौन सा एग्जाम्पल आप बता सकते हो? द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज योर ग्राउंड ग्लास. ग्राउंड ग्लास, ओके. इसके बाद एक लास्ट टॉपिक और है, ओपेक. ओपेक मीडियम, आफ्टर दैट ओपेक मीडियम वो मीडियम है जिससे लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती. नोट डाउन द स्टेटमेंट, दोज मीडियम थ्रू विच लाइट डज नॉट पासेस, डज नॉट पासेस. एग्जाम्पल, वुड, सैंड, और यू कैन से दैट बिल्डिंग एक्सेट्रा. तो ये तो हो गया आपके टॉपिक्स बहुत ही बेसिक से, लाइट क्या थी, लाइट को प्रोड्यूस कैसे करते हैं, लाइट प्रोड्यूस किससे होती है, तो सोर्स से होती है. उसके बाद लाइट हम तक आती कैसे, तो मीडियम से होके आती है. अब बात करते हैं इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक के बारे में, जहां से आपकी एनसीईआरटी स्टार्ट होती है. अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको कुछ बेसिक से टॉपिक और बता देना चाहता हूँ कि जो आपकी लाइट है ये एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, एक पासेज. अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझाने से पहले मैं एक चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि रिफ्लेक्शन होता किस वजह से है. तो बच्चों, रिफ्लेक्शन करने के लिए हमें एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की जरूरत होती है. ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम बेसिकली बनाते कैसे हैं? तो बनाने के लिए इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, हमारे पास एक प्लेन शीट ऑफ ग्लास होती है. प्लेन शीट ऑफ ग्लास को हम क्या करते हैं, एक साइड से कर देते हैं पेंट. अगर सपोज मेरे पास एक प्लेन शीट ऑफ ग्लास है, मैं एक बुक ले लेता हूँ फॉर एक एग्जाम्पल, फॉर एक्सप्लेनिंग इट टू यू, देयर इज अ बुक, ओके. सपोज दिस इज अ प्लेन शीट ऑफ ग्लास थ्रू विच लाइट कैन इजिली पास. एक प्लेन शीट ऑफ ग्लास है जिससे लाइट इजिली पास हो सकती है, तो मैं इसकी एक साइड को कर दूंगा पेंट. यहाँ की साइड को मैंने कर दिया पेंट, और दूसरी तरफ की साइड को ऐसे ही उसको मैंने पॉलिश कर दिया, ठीक है, उसको मैंने घिस घिस के पॉलिश कर दिया. एक साइड पेंटेड है, एक साइड पॉलिश्ड है. तो जब पॉलिश्ड साइड पे लाइट फॉल करेगी तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगी या बाउंस बैक होगी. रिफ्लेक्ट की जगह पे नया वर्ड मैं यूज करता हूँ, बाउंस बैक. तो ये जो फिनोमिना होता है, जैसे लाइट किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो वो बाउंस बैक होती है, तो दैट फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो रिफ्लेक्शन कैसे हुआ, जब भी किसी पॉलिश्ड सरफेस पे लाइट इंसिडेंट होती है तो वो क्या होती है, बाउंस बैक होती है. जिस मीडियम से आ रही थी उसी मीडियम में बाउंस बैक होती है. तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन. अब बच्चों, जैसे कि मेरे पास एक प्लेन शीट ऑफ ग्लास है, ठीक है, अब इसको अगर आप सामने से देखोगे तो इसका व्यू ऐसा दिखेगा, बट जब आप इसका साइड व्यू देखोगे तो ये ऐसी दिखती है, ठीक है. तो साइड व्यू इसका ऐसे दिखता है, पेंटेड साइड जो है ये नीचे है, पेंटेड साइड नीचे है, पॉलिश्ड सरफेस ऊपर की तरफ है, ठीक है. तो अगर मैं इसको फिगर बना के दिखाऊं तो ये आपको कैसी दिखेगी, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ. तो दिस इज द मिरर सपोज, एंड दिस इज द पेंटेड साइड. पेंटेड साइड इज डिनोटेड बाय दीज लाइंस. ये जो मैंने स्ट्राइक किया है लाइन को,
दैट इज द पेंटेड साइड, और इस साइड पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन हमेशा पॉलिश्ड साइड पे ही होता है, जो साइड पॉलिश्ड होगी उसी पे रिफ्लेक्शन अगर होता है, बाकी की साइड पे रिफ्लेक्शन अगर नहीं होता। रिफ्लेक्शन करने के लिए हमें पॉलिश्ड सरफेस की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं, इसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर 90 डिग्री के एंगल पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होती है, और इसी लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल। आपने ऑलरेडी पिछली क्लास में स्टडी किया होगा, तो दिस लाइन इज नोन एज द नॉर्मल। ओके, अब इस नॉर्मल लाइन से मैं कुछ एंगल बनाते हुए एक लाइन को इंसिडेंट कराता हूं। लेट्स सी, कुछ एंगल बनाते हुए ये लाइन जो है, लाइट जो है इसके ऊपर इंसिडेंट हो गई, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन, दैट द रिफ्लेक्टिंग साइड विल रिफ्लेक्ट दैट लाइट एंड द लाइट विल बाउंस बैक इन द सेम मीडियम। लाइट क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी जिस मीडियम से आ रही थी उस मीडियम में। मैं इसको लाइन थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि ये फिगर थोड़ा अच्छा लग रहा है। ओके, नाउ इसको नेमिंग कर देते हैं, दिस इज एक्स वाई, वेयर एक्स वाई इज नोन एज प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। एक्स वाई को हम कहते हैं प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, जहां पर रिफ्लेक्शन अकर होता है, जिस सरफेस पे होता है उसे हम कहते हैं। ये हो गया एन एन डैश, एन एन डैश इज नोन एज नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया। दिस इज ए, और ये वाला जो पॉइंट है दिस इज नोन एज बी, सॉरी ओ, दिस इज नोन एज ओ। अगर विजिबल नहीं है तो बड़ा लिख देता हूं मैं, दिस इज ओ। तो ए ओ इज द इंसिडेंट बीम, इंसिडेंट बीम, एंड दिस इज नोन एज द रिफ्लेक्टेड बीम। तो ओ बी इज द रिफ्लेक्टेड बीम। अब यहां पे मैं बात करता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, कि जब भी लाइट इंसिडेंट होगी बच्चों, तो उसको आप एरो से डिनोट करोगे कि लाइट इज इंसिडेंट। ये लाइट इंसिडेंट हो रही है, ऐसे आ रही है, तो इसको एरो से डिनोट करते हैं। अगर आप एरो से डिनोट नहीं करोगे तो इट विल डिडक्ट योर मार्क्स इन योर फाइनल एग्जाम। और ये वाली रिफ्लेक्ट हो रही है तो आप इसको भी एरो से डिनोट करोगे। ये बच्चे ज्यादातर गलतियां करते हैं, फिगर तो प्लॉट कर देते हैं बट उसको एरो से डिनोट नहीं करते, तो इससे ये पता नहीं चलता कि इंसिडेंट लाइट कौन सी है, रिफ्लेक्टेड वन कौन सी है। ओके, सो दिस इज इंसिडेंट बीम ए ओ, ओ बी इज द रिफ्लेक्टेड बीम। ओके, नाउ द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट बीम इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जो एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट बीम के बीच में बनता है, दिस एंगल, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और वहीं दूसरी जगह जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड बीम के बीच में जो एंगल बनता है, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो दिस इज द फिगर, आफ्टर ड्रॉइंग दिस फिगर यू कैन नोट डाउन द डेफिनेशन। डेफिनेशन को आप चाहो तो पहले भी लिख सकते हो, फिगर आप बाद में प्लॉट कर देना, बट फिगर इज मस्ट। ओके, तो नोट डाउन द स्टेटमेंट, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट in the same medium after striking a polished or shiny surface, a polished or shiny surface is known as reflection, is known as reflection of light. Okay, is known as reflection of light. अब इस reflection के बाद बात करते हैं next topic की, कि रिफ्लेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। आपके सिलेबस में जो है वो दो टाइप्स के हमें स्टडी करने हैं, दैट इज रेगुलर एंड इररेगुलर रिफ्लेक्शन। तो सब हेडिंग बना लेंगे आप रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर
रिफ्लेक्शन. तो द सब हेडिंग इज रेगुलर रिफ्लेक्शन. रेगुलर रिफ्लेक्शन वो होता है जिसमें रिफ्लेक्शन किसी पॉलिश्ड या शाइनी सरफेस पर होता है और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है. दैट इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन. तो रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए आप इसकी डेफिनेशन नोट करेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन की. नोट डाउन द स्टेटमेंट. When the reflecting surface is smooth and polished, then the incident beam get reflected back. ब्रैकेट में लिख देंगे रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू वन अनदर. दिस इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन. उसके बाद आप इसका फिगर प्लॉट कर देंगे. रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब ये है, सपोज दिस इज द मिरर आपका ये है and this is your incident beam. Okay, first incident beam. So there should be a normal. I'm drawing over here the normal. You can use the scale for drawing the normal. So this is the normal and this is your reflected beam. Okay, again there is an incident beam and there is again a normal and there is again a reflected beam. Now here is the figure. Your figure is ready. That this is your incident beam, this is again your incident beam, this is your incident beam. This is a reflected beam, a reflected beam, a reflected beam. And this is the normal. So, ये आपका regular reflection है. Regular reflection में आपके पास एक smooth, polished, shiny surface है. उसके ऊपर जितनी भी parallel incident beam fall कर रही हैं, वो reflection के बाद भी parallel होंगी. That is known as regular reflection. रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या हुआ, जितनी भी पैरेलल इंसिडेंट बीम इंसिडेंट हो रही है मिरर के ऊपर, वो रिफ्लेक्शन के बाद भी जो हमें रेज ऑब्टेन होंगी दैट विल बी पैरेलल टू ईच अदर. तो रिफ्लेक्शन के बाद भी अगर हमें पैरेलल बीम ही ऑब्टेन होती है तो उसको हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन. अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज इररेगुलर रिफ्लेक्शन. नोट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग इररेगुलर रिफ्लेक्शन. यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट बता देना चाहता हूँ कि जो हमारी लाइट होती है ये हमेशा एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. सेकंड पॉइंट इसमें मोस्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो लाइट है ये जब भी किसी चीज पे इंसिडेंट होती है तो ये एक पार्टिकल की तरह इंसिडेंट होती है, बट जब ये मोशन करती है तो इसका मोशन वेव मोशन होता है. ये आगे के क्लासेस में आपको डिटेल में स्टडी कराया जाएगा. अभी के लिए हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए, दैट इज इररेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं ये कहूँ कि यहाँ पर अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद रेगुलर में क्या होता है, पैरेलल बीम ऑब्टेन होती है, बट इररेगुलर में क्या होता है, जस्ट अपोजिट. रिफ्लेक्शन के बाद इररेगुलर हो जाती है, पैरेलल नहीं रहती. चलिए इसको बना के देखते हैं. सपोज हमारे पास एक इररेगुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. इररेगुलर है ये, प्लेन नहीं है बिल्कुल भी, ऊपर नीचे है. तो अब अगर इसके ऊपर मैं इंसिडेंट कराऊंगा तो कुछ फिगर ऐसा बनेगा. तो हियर इज द फिगर. यहां पर आपके पास अगेन तीन इंसिडेंट बीम है,
these are the incident beam and these are your reflected beam. और ये कहीं से भी आपस में पैरेलल नहीं है. तो ये जो रिफ्लेक्शन हुआ आपका, ये हो गया इररेगुलर रिफ्लेक्शन. बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है दोनों के बीच में. रेगुलर में है, इंसिडेंट बीम भी आपस में है, तीनों पैरेलल है. इररेगुलर में इंसिडेंट बीम भी आपस में पैरेलल है. इररेगुलर रिफ्लेक्शन में जो रिफ्लेक्टेड बीम है वो भी हमें पैरेलल ही ऑब्टेन होती है, बट इररेगुलर में रिफ्लेक्टेड बीम आपस में इंटरसेक्ट हो जाएगी या फिर डाइवर्ज हो जाएगी, बट पैरेलल नहीं होगी. तो ऐसा वाला रिफ्लेक्शन कहलाता है हमारा इररेगुलर रिफ्लेक्शन. अब इररेगुलर रिफ्लेक्शन के बाद हम बात कर लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है. तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बेसिकली दो लॉज हमें स्टडी करने हैं. पहला लॉ आ जाता है आपका दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस, यू कैन से दैट आई इज इक्वल टू आर. पहला लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज, आगे स्पेस नहीं है आप उसके आगे लिखेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये लाइन इसके आगे आएगी, आगे स्पेस निकल से लाइन नीचे लिखा है, ठीक है. सेकेंड पॉइंट, इंसिडेंट बीम, इंसिडेंट बीम कॉमा रिफ्लेक्टेड बीम कॉमा नॉर्मल ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन. तो ये दो लॉज हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज हैं. पहला लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है. अगर आपका लाइट का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सपोज 60 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 डिग्री होगा. अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 40 डिग्री होगा. अगर आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सपोज 100 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 100 डिग्री होगा. तो यहां पर बात कर लेते हैं सेकेंड लॉ के बारे में. सेकेंड लॉ ये है कि इंसिडेंट बीम, रिफ्लेक्टेड बीम और नॉर्मल ऑल लाइज ऑन ए सेम प्लेन. अगर ये फिगर है हमारे पास, दिस इज द फिगर एंड दिस इज द नॉर्मल, this is your incident beam and this is your reflected beam. This is the rough figure for your understanding only. कि ये एक normal है. This is your incident beam. Do not, you are not, no, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझने के लिए मैंने बनाया है कि ये आपका angle of incidence हो गया, ये आपका angle of reflection हो गया और ये आपकी normal तैयार हो गई है. चलिए तो यहाँ पे बात कर रहे थे एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा. पहला लॉ तो ये हो गया, सेटिस्फाई है, समझ में आ गया होगा. सेकंड लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट बीम, रिफ्लेक्टेड बीम एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन ए सेम प्लेन. मतलब ये आपकी इंसिडेंट बीम है, ये आपकी नॉर्मल है और ये आपकी रिफ्लेक्टेड बीम है, ये एक ही प्लेन में बनेंगे. मैंने बनाया है तो ये बोर्ड के प्लेन में है, आप बनाओगे तो आपके कॉपी के प्लेन में होगा. ऐसा नहीं है कि मैंने अगर बोर्ड में इसको ऐसे बनाया है, इधर इंसिडेंट बीम आ रही है, ये नॉर्मल है, तो रिफ्लेक्टेड बीम ऐसे बाहर निकल गया बोर्ड के, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है. बोर्ड में इंसिडेंट बीम बनाई है, बोर्ड में रिफ्लेक्टेड बीम है, क्योंकि ये बोर्ड के प्लेन में है. आप बनाओगे तो आपके नोटबुक के प्लेन में होगा, इसके बाहर नहीं निकलेगा कभी, ठीक है. तो ये तो लॉ था. अब इसके बाद बात करते हैं प्रॉपर्टी के बारे में. दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज नॉर्मल इंसिडेंस. मेक अ नेक्स्ट हेडिंग, नॉर्मल इंसिडेंस. ये प्रॉपर्टी आपको समझनी है क्योंकि ये तो आपके लॉज हो गए, ये एक प्रॉपर्टी है. प्रॉपर्टी का नाम से ही क्लियर है कि इसका मतलब है नॉर्मल इंसिडेंस. नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब है, इसको मैं फिगर से एक्सप्लेन करता हूं आपको कि नॉर्मल इंसिडेंस क्या चीज है और बहुत समझना बहुत आसान है. इसको ध्यान से देखिएगा कि सपोज ये आपका एक मिरर है, दिस इज योर मिरर
एंड दिस इज योर नॉर्मल, ओके, ये आपका नॉर्मल हो गया एन एन डैश। हमेशा मैं उसको ए कहने वाला हूँ तो आपके लिए इजी रहेगा, नाम चेंज नहीं करूंगा, ठीक है। तो नॉर्मल इंसिडेंस ये है कि सपोज ये आपका एक मिरर है, ये आपका एक नॉर्मल हो गया मिरर के ऊपर, अब जो इंसिडेंट बीम है वो नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है मिरर के ऊपर। कैसे हो रही है, चलिए इसको बताता हूँ, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ बुक से कि ये सपोज मिरर है, ठीक है, और ये मिरर आपका ऐसे रखा है, हाँ ऐसे ही रखा हुआ है, और ऐसे आपका नॉर्मल होगा, इस पर नॉर्मल कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है सरफेस मिरर के ऊपर, तो ये मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर रख दिया मैंने नॉर्मल, ठीक है, ये रख दिया। अब अगर नॉर्मल ही इस पे लाइट इंसिडेंट हो, मतलब ऊपर से ही ऐसे लाइट इसके ऊपर फॉल कर रही हो, तब क्या होगा, ऐसे में एंगल आई की वैल्यू कितनी होती है, तो एंगल आई की वैल्यू हो जाती है 0 डिग्री। अगर एंगल आई की वैल्यू 0 है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपने क्या पढ़ा है कि आई की वैल्यू आर के बराबर होती है, तो आर भी कितना हो जाएगा 0, तो एंगल आई इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 0 डिग्री, ये हो जाएगा। इसका मतलब ये है यहां पर कि अगर नॉर्मल ही, सपोज ये आपका एक मिरर है, दिस इज योर मिरर, और मैं इसके सामने से ऐसे टॉर्च जलाता हूँ, बिल्कुल सामने से ऐसे खड़े होकर टॉर्च जलाता हूँ, तो लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, अगर आप मिरर के सामने ऐसे खड़े हो और आपने ऐसे टॉर्च जलाई तो वापस टॉर्च की लाइट कहाँ जाएगी, आपके ऊपर आएगी। ऐसा तो है नहीं कि आपने सीधे खड़े होकर मिरर के सामने टॉर्च जलाया और लाइट या तो इधर चली गई या इधर चली गई, ऐसा होता है नहीं होता। लाइट की अगर आपने किसी भी मिरर के आगे खड़े होकर आपने टॉर्च या कोई भी लाइट इंसिडेंट करते हो परपेंडिकुलरली मिरर के ऊपर, तो लाइट सीधे रिफ्लेक्ट बैक होती है विद द सेम एंगल, जितने एंगल से आपने इंसिडेंट किया है, तो लाइट जैसे ही इस पे इंसिडेंट होगी नॉर्मली, तो वो रिफ्लेक्ट भी नॉर्मल ही होगी। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस। तो इसके बाद आप ये ड्रॉ कर लोगे, इसके बाद नोट डाउन द स्टेटमेंट, व्हेन अ लाइट बीम इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए मिरर, व्हेन अ लाइट बीम इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए मिरर, देन इट रिट्रेसेस इट्स पाथ, नेक्स्ट वर्ड न्यू वर्ड रिट्रेसेस इट्स पाथ, रिट्रेसेस इट्स पाथ, रिट्रेस का मतलब है जिस पाथ से आ रही है उसी पाथ पे वापस लौट जाएगी, कोई दूसरा पाथ चूज नहीं करेगी, तो ये नया वर्ड है, इसका मतलब है जिस पाथ से आई है लाइट उसी पाथ से वापस चली जाएगी। तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी आपकी नॉर्मल इंसिडेंस की।